गुड मॉर्निंग बच्चों, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने जाना प्राकृतिक संख्याएं, गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य शामिल कर लेने पर प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लेने पर प्राप्त संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। आज हम जानेंगे परिमेय संख्या। क्या है परिमेय संख्या? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या वह संख्या है जो P बटे Q के रूप में लिखी जाती है, जहां P और Q पूर्णांक हैं। यहां हम P को अंश और Q को हर कहते हैं, और Q का मान अर्थात हर का मान कभी भी शून्य नहीं होता है, परिमेय संख्या कहलाती है। अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिखी जाने वाली प्रत्येक संख्या जिसमें हर का मान शून्य नहीं होता है, परिमेय संख्या कहलाती है। आइए कुछ उदाहरणों के द्वारा इसको समझते हैं। जैसे एक, पाँच, एक बटे दो, ऋण सात बटे चार, दशमलव छः, यह सभी परिमेय संख्याओं के उदाहरण हैं। इसमें ऋणात्मक परिमेय संख्या भी हैं और धनात्मक परिमेय संख्या भी हैं। तो आइए परिमेय संख्याओं के बारे में गहराई से चर्चा करते हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं? हाँ, सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। तो क्या सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या हैं? हाँ, सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। तो क्या शून्य भी परिमेय संख्या है? हाँ भाई, शून्य भी परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य बटे एक एक परिमेय संख्या कहलाती है। तो क्या चार बटे शून्य भी परिमेय संख्या है? नहीं नहीं, चार बटे शून्य परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि हर का मान कभी शून्य नहीं होता है। पाई अंडर रूट फाइव परिमेय संख्या नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे ये परिमेय संख्या नहीं है तो कौन सी संख्या है। तब तक के लिए नमस्कार।